हाय गाइस, आई एम सत्या कसोदन। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको 24 कीवर्ड्स बताएंगे। गाइस, इन कीवर्ड्स से आप अपने कंप्यूटर में फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एज यू कैन सी 24 कीवर्ड्स, विंडोज डजंट अलाउ यू टू क्रिएट फोल्डर नेम। 24 कीवर्ड्स गाइस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे जैसे CONPRN ऑक्स AUX null NUL COM 0 COM 0 LPT 0 COM 1 COM 2 LPT 1 LPT 2 गाइस, ये सब फोल्डर आप क्रिएट नहीं कर सकते। गाइस, इसका रीज़न है, द रीज़न इज दिस कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड फॉर सम टास्क टू बी परफॉर्म बाय द OS। इट यूजेस दिस वर्ड टू क्रिएट फोल्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड स्टोर डाटा इन देम फॉर टास्क रिलेटेड प्रिंटिंग एंड अदर फंक्शंस। वी क्रिएटिंग अ फोल्डर विद द सेम नेम वुड कन्फ्यूज द सिस्टम। गाइस, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, हमारे कंप्यूटर में पहले से कुछ फाइल्स रिजर्व्ड होते हैं जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। गाइस, इसलिए क्योंकि उसमें अगर हम क्रिएट करेंगे तो हमारे सिस्टम में ये कन्फ्यूज़न होने लगेगा कि ये किस फाइल को परफॉर्म करेगा। गाइस, फर्स्टली हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा फोल्डर क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो गाइस, यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड गाइस, यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा फाइल रीनेम होता है कि नहीं इस नेम से। गाइस, एज यू कैन सी, यहाँ पे ये हमारा फोल्डर क्रिएट नहीं हो रहा था। स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड। सो गाइस, मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स और ट्राई कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। गाइस, इसमें हम और भी फाइल क्रिएट कर रहे थे लेकिन हमारा ये क्रिएट नहीं हो रहा। तो गाइस, चलिए हम देखते हैं कि इस फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। गाइस, इस फाइल को क्रिएट करने के लिए हमें एक कीवर्ड टाइप करना होता है। गाइस, कीवर्ड टाइप करने से ये होता है, वहाँ पे एक इनविजिबल स्पेस क्रिएट हो जाता है जिससे इस कॉन के नाम से या PRN के नाम से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा Alt 255 एंड इसको रिलीज़ कर देना होगा। देन गाइस, आप फाइल का नाम करेंगे एंड एंटर। सो गाइस, आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारा फाइल क्रिएट हो गया। सो गाइस, जैसे आप सारे फाइल को क्रिएट करने के लिए Alt 255 प्रेस करेंगे एंड कीबोर्ड को रिलीज़ कर देंगे, देन आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सो गाइस, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।